डेमो क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाने वाले हैं दृश्य टेक एकेडमी में, तो उसका डेमो वीडियो देखेंगे। ये बहुत ही स्मॉल वीडियो होने वाला है। ओनली हम जो इंट्रोडक्शन है मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो ही हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के पहले जो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो लेवल्स है, तो वो देख लेते हैं। तो पहली है मशीन लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ना, मशीन कोड और मशीन लेवल लैंग्वेज इज सेट द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ईच इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क सच एज लोड अ जंप और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस ऑन अ यूनिट ऑफ डेटा इन अ CPU रजिस्टर और द मेमोरी। एवरी प्रोग्राम इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU इज मेड अप टू सीरीज सच ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन सेकंड है असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज। An assembly level language is a low level programming language for a computer or other programmable device in which there is a very strong correspondence between the language and the architecture machine's code instruction. Assembly language is converted into executable machine code by utilize a program referral to the assembler. The conventional procedure is referred to as assembly or assembly the code. Third type होता है high level programming language जो हम use करने वाले हैं। High level programming language is a programming language that enable the development of a program in much simpler program context and is generally independent of the computer hardware architecture. High level has higher level abstraction from the computer and focusing more on the programming logic rather than understanding hardware components such as memory addressing and register utilization. In first high level programming language where is designed in 1950. Now there are dozen of different programming language including basic, C, C++, Java and many more language. Such language are considered the high level because they are closer to the human language and further from machine language in other language they be transferred. The high level programming language are broadly two type. First is procedure oriented programming, that is POP language, and second hota hai object oriented programming, that is OOP language. To hum pehle procedure oriented programming. In a procedure-oriented programming approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done such as reading, calculations, and the printing. Procedure-oriented programming are basically consist of writing a list of instructions or action for the computer to follow, organize this instruction into group known as functions. तो ये मेन प्रोग्राम होता है, देयर इज थ्री फंक्शन इज देयर। तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके कोई डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ग्लोबल डेटा एक्सेस, मतलब जो ग्लोबली डेटा होता है उसे एक्सेस किया जाता है लोकल फंक्शन में, उसी के साथ जो लोकल फंक्शन का डेटा है वो ग्लोबल पे एक्सेस होता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट अ मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल, मतलब जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते
तो उसे हम टैकल नहीं कर सकते जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके। नो डेटा हाइडिंग, मतलब जो डेटा होता है, मतलब जो सिक्योरिटी पार्ट होता है, तो वो हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम जो फंक्शन में ग्लोबल डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस यहाँ पे इमेज में आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहली इमेज और दूसरी इमेज में यही डिफरेंस है, जो ग्लोबल डेटा है वो फंक्शन एक्सेस कर लेता है, दूसरे फंक्शन को स्टेन करता है, मतलब जो लोकल डेटा है वो अलग होता है, ग्लोबल डेटा अलग होता है, वो ग्लोबल डेटा ही एक्सेस करता है, लोकल डेटा का कोई यूज़ नहीं करता, वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हम जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो नहीं यूज़ करते। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एम फेज ऑन डूइंग थिंग एल्गोरिदम, मतलब जो एल्गोरिदम होता है तो वैसे ही जो थिंग है वो डू करना पड़ता है। लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइड इनटू स्मॉल प्रोग्राम नोन एज फंक्शन, मतलब जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसे हम स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा, मतलब जो फंक्शन है वो ग्लोबल डेटा शेयर करते हैं, मतलब जो सिक्योरिटी होती है तो उसका बहुत ही इशू हो जाता है। डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम द फंक्शन टू फंक्शन, मतलब जो डेटा है वो एक फंक्शन से लिया दूसरे फंक्शन में डाल दूसरे से तीसरा, जो पॉइंटर नाम का कंसेप्ट है ना, हम मतलब 1080 की मेमोरी हमको मिली है तो मेमोरी के अलावा भी हम जो दूसरे का डेटा है ना वो भी देख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो ये बहुत ही मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो सी प्रोग्रामिंग है वो सफिशियंट नहीं है। तो नेक्स्ट है फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम वन टू अनदर, जो फंक्शन होते हैं वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन टू अनदर टू थर्ड फंक्शन, तो ऐसा ट्रांसफर हो जाता है। और जो ये प्रोग्राम यूज करते हैं ना तो वो जो अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, मतलब हम ऊपर रखेगा वो फर्स्ट रन होगा, नीचे आया वो बाद में रन होगा। तो ये बहुत ही मतलब जो हमारे नवीन एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे हमको डिसीजन खुद को मतलब रोबोट को लेना होता है, तो वहाँ पे हम जो सीक्वेंस ऑफ कोड लिख सकते हैं मतलब वही रन होगा तो मतलब डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है सी प्रोग्रामिंग का, हम टॉप टू बॉटम जो अप्रोच यूज करते हैं। तो इसलिए हम शिफ्ट हो चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल मेमोरी एरिया फॉर बोथ डेटा एंड द फंक्शन दैट कैन बी यूज टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग कॉपीज सच एज मॉड्यूल्स ऑन डिमांड, मतलब जो हम डेटा है तो हम एक डेटा बहुत बार यूज कर सकते हैं, जो फंक्शन मतलब हमने एक फंक्शन लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर का, मतलब उसमें हम सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, हमें हर बार लिखना पड़ता है कि हमको सी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। प्रोसीजर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एक बार एक फंक्शन लिख देंगे, सिर्फ हमको वैल्यू इनपुट करना है, वो फंक्शन अपने आप कॉल होगा, कैलकुलेट करेगा। हम जो प्रैक्टिकल लेने वाले हैं ना तो वहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है। ओके, डूइंग द थिंग इन प्रोसीजर, मतलब जो जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते थे ना तो जो डेटा सिक्योरिटी होती तो वो नहीं होती थी। तो यहाँ पे एक मतलब नीट मींस मतलब अच्छी तरह से डेटा और जो
प्रोग्राम में उसे ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रोग्राम आर डिवाइड इनटू द नोन एज ऑब्जेक्ट, जो प्रोग्राम होते हैं उसे डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्ट करके। ओके, थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच एज कैरेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर ही डिजाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट ए उसमें ए की वैल्यू 10 है तो वो उसके लिए ही 10 है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट में हम उसकी एक ही जो वैल्यू है उसे हम 10 नहीं कर सकते, तो वो जो डेटा है तो उसी जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ही होता है। हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जब हम वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हम दूसरे फंक्शन को दे सकते, तब तक जो है डेटा वो हमारे पास ही रहते। फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा ऑब्जेक्ट ट्राइड टूगेदर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो फंक्शन है दैट्स ऑपरेट द डेटा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो जो फंक्शन है जो डेटा होता है तो वो फंक्शन का डेटा हम एक तरफ से दूसरी तरफ सेंड कर सकते, दूसरी तरफ से ले सकते, ये मतलब बहुत ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कि ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है, तो यहाँ पे तीन फंक्शन डिफाइन किए थे। यहाँ का डेटा हम यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिटर्न वैल्यू का, बट यहाँ का जो डेटा है तो इसके ही फंक्शन को जाएगा, इस ईयर जो डेटा है तो इस फंक्शन को नहीं जाएगा जब तक हम ये फंक्शन थ्रू उसे पास नहीं कर सकते। ये जो है हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे ना तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आप समझ लो सिर्फ जो डेटा है तो पहले फंक्शन को जाएगा और फंक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खुद डेटा जो हमारे सी का डिसएडवांटेज है, हम डेटा दूसरा यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी मिल जाती है। डेटा इज हिडन कैन नॉट बी एक्सेस बाय द एक्सटर्नल फंक्शन, मतलब जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसको डेटा का एक्सेस बिल्कुल नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है तो वो वहाँ पे जो उसकी इंफॉर्मेशन है जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास होती है, वैसे ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन है तो वो ऑब्जेक्ट ए के पास होगी, दूसरे के पास बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी हमारे पास होती है, तो ये ऑब्जेक्ट भी अपनी सिक्योरिटी खुद के पास रखता है, जो अपना डेटा है सिर्फ अपने फंक्शन को ही देता है। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड, मतलब हम न्यू डेटा फंक्शन ऐड कर सकते, एक फंक्शन है न्यू हम लिख सकते, जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फॉलो बॉटम अप अप्रोच इन द प्रोग्राम डिजाइन, मतलब हम पहले जब 10 लाइन का कोड होगा तो हम 6 लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 6 लाइन पे हम जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल कर फिर से आप वह फर्स्ट लाइन पे उसे सेंड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है एक पार्ट से, क्योंकि हम जो है नीचे वाला डेटा हम ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, ऊपर वाला नीचे भी ले सकते हैं, तो ये जो है डेवलपर है तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो हम अब जाएंगे प्रोग्राम की तरफ, तो हम बेसिक प्रोग्राम देखेंगे C++ के रिलेटेड, तो हमें ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। तो जो फर्स्ट नंबर को वेबसाइट आएगी तो वही ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम शो किया गया है तो हम इसे ही रन करेंगे, न्यू प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। स्लैश इंक्लूड iostream.h, मतलब जो हम जनरली टर्बो C++ जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखता रहता है iostream.h, ये जो मतलब जो फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल जो स्टोर होती है तो वो iostream.h में जो प्रोग्राम होता है, मतलब सी आउट जो उसका एक वेरिएबल है तो उस सी आउट मींस क्या है तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, ये iostream में होगी। तो यूजिंग नेम स्पेस std इसका मीनिंग नहीं होता, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा टर्बो सी कंपाइलर पे।
डायरेक्ट हमारा जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है ना, तो वो इंटीजर मेन से स्टार्ट होता है। तो सी आउट का क्या काम है, जो यूजर है उनको डेटा दिखाना, तो हम इसे रन करते हैं। तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पे जो हेलो वर्ड है, मतलब हेलो वर्ड है, तो वो रन हो जाएगा। सी आउट क्या करता है, वैल्यू जो है उसमें जो मिला है वैल्यू उसे डिस्प्ले करने का काम करता है। तो इसे हम सिर्फ हेलो रहने देते और फिर रन करते हैं। तो ये देख के सिर्फ हेलो रह गया है, तो ये सिंपली है, मतलब जो उसमें सिंटैक्स भी बहुत ही सिंपल है, लूप्स और सभी हम जो है कंसेप्ट, तो हम हमारे जो कोर्स है सी का प्लस प्लस का 499 रुपीज का, तो उसमें हम ऑल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर इंटरेस्टिंग कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस। आई एम एक्साइटेड टू टीच द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू।